ये आज पालक के हम पकोड़े बनाते हैं। पालक हमने धोकर काट लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, प्याज को डाल दें, हरा मिर्च इसको डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन डाल रहे हैं। बेसन डालने के बाद एक पाव बेसन है पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छी तरह मिला लें। तो मिला के तब पकौड़ा के तैयार करें। लीजिए हमारे बेटर को अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं, तैयार हो गया है। चले पकौड़ा बनाने। चगा दिए, हमारे कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें सरसों के तेल डालते हैं। सरसों के तेल में हम लोग पकौड़ा बनाते हैं। अच्छी तरह हमारे तेल गर्म हो गया है, हम इसमें अब पकौड़ा डालते हैं। पूरा भरे ना, देखा गोल्डन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर दें पकौड़ा को। हमारे ये हो गया, अब इसको पकौड़ा को निकालते हैं। निकाल लेते हैं, बारिश के मौसम में इसके चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। आपके पकौड़ा हमारे बन के तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।